अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सोहेल। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ब्रिगेड रोड बंगलैरो। तो करते वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं। हाय हाय, आए चाचा। वाह, ओए ओए ओए, ये होती है आर्ट। हाँ भाई सही है। ओए ओए ओए, हाँ जी भैया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल भाई। हम बेंगलुरु एमजी रोड के आसपास ही है कहीं बेंगलोर में, तो देखते हैं। बड़ी बिजी स्ट्रीट है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बड़ी लाइटिंग शाइटिंग की हुई है, सारे ब्रांड्स रैंड हैं। तो हम पूरी स्ट्रीट का विजिट करेंगे, वॉक अराउंड करेंगे, और आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, और कोशिश करेंगे कुछ बंदों से भी बात करें। यार ये तो न्यूयॉर्क लग रहा है, सेम टू सेम, बहुत चेंज है टाइम स्क्वायर। अच्छा भाई ये देखें, यहाँ पे हर तरह के ब्रांड है यार। ब्रिकेनस्टॉक, ये स्केचर, ओए होए होए जी, क्या बात, बहुत ज्यादा गहमा गहमी, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये देखें क्या व्यू है, वो दूर तक भाई लाइटिंग की हुई है, क्या कमाल की स्ट्रीट है यहाँ। ये देख, ओए होए होए, सही बात है। वो क्या नाम पहले ले रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स का, बिल्कुल वही सीन है। बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट, ये ब्रांड देखें मोची, इधर भी मोची है। ये देखो भाई, मैं आपको ब्रांड्स ही दिखा सकता हूँ, एडिडास, ये कौन है, ये तो इंडियन क्रिकेटर बने हैं भाई, एडिडास को भाई उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, एडिडास ने सॉरी उन्हें स्पॉन्सर किया है। ओए दिखाते हैं आप, ये कौन कौन है भाई, एक ही रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, आप पता नहीं रोहित शर्मा ही है यार, रोहित शर्मा, कुलदीप है, रोहित शर्मा थोड़ी तस्वीर में गड़बड़ है, शेर रोहित शर्मा ही है, क्या बात है। अच्छा यार, यहाँ तो सारे ब्रांड है, सारे ब्रांड है। ये देखो भाई एडिडास, बहुत बड़ी इनकी आउटलेट है एडिडास। लुइस फिलिप्स, लीवाइस, एडिडास, और तरकड़े ब्रांड है रश, देखो ब्रांड तो फिर है ही है, मजे के यार व्यू हैं। तो भाई ब्रिगेड रोड की आपने गेमा गेमी देखी भाई, हम चल रहे हैं यार, शायद ही कोई इंडिया का छोड़े, शायद ही कोई दुनिया का ब्रांड हो जो यहाँ पे ना हो। तो क्या दिखाऊं यहाँ पे, पूरे रोड का एक विजिट कर रहे हैं, साथ साथ कमेंट्री कर रहे हैं, लोगों की भीड़ आप चेक कर सकते हैं। ये देखो भाई लीवाइस, बाय वन गेट वन फ्री, बहुत लंबी और बड़ी स्ट्रीट है, कमाल का यार व्यू है। रात में मैं इसलिए आया था कि थोड़ा बिजी कम होगी, ये तो भाई बहुत बिजी है, और गाड़ियाँ जब मैं आया था तो उनको मना किया हुआ था कि नहीं आ सकती, रास्ता ब्लॉक था, इन्होंने मुझे नहीं पता किसका ये मशवरा था कि सारी इन्होंने ट्रैफिक ओपन कर दी, तो पैदल चलने की जगह नहीं थी, ये तो बड़ी दूर की बात थी, अब इन्होंने गाड़ियाँ भी ओपन कर दी। वाह मजे कर रहे हैं लोग, अभी मेट्रो आ रहा है, मैकडोनल्ड भी है, केएफसी भी है, वाह। ये भैया इंडिया वाला मेट्रो, ये देखिए, हाँ जी इंडिया वाला मेट्रो, केएफसी इधर हमारे भी है, और ये मैकडोनल्ड मॉल बना दिया है लोगों को सुकून। हम जरूर ये होता है ऐसे माहौल पे करेंगे बहुत जल्द, और ये इंडियन चाय, चलो यहाँ से कुछ चाय ट्राई कर सकते हैं, चाय वालों के पास राज देखो, चाय भी भाई इधर ब्रांड होती है, खाने की जगह आपको पता है, खाने के मामले में
डगमगा जाता हूँ बहुत ज्यादा रश, इंडियन चाय हम जा सकते हैं। सुबह हम मौजूद हैं चाय खाने, इंडियन चाय में इस टाइम मौजूद है भाई, इतनी भीड़ है यहाँ तक पहुँचना, गाड़ियां गुजर रही है क्या किधर, यहाँ तक पहुँचना भी एक मिशन था। तो भाई अब यहाँ से चाय ऑर्डर करेंगे ठंडी ठंडी हवा में और चाय हो तो क्या बात है, चाय ऑर्डर करते हैं फिर आपको बताते हैं। लो भाई हम पहुँच गए चाय खाने, आपको पता है चाय का यार मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो ऑर्डर कर दी हमने बड़ी बेहतरीन ज़ाफ़रानी चाय और फौरन ही चाय मिल गई है। ये देखें ओए ज़ाफ़रानी चाय भाई, मैंने कहा इस गहमा गहमी में एक कप चाय हो जाए ज़रा एनर्जी आ जाए, तो आप ज़रा क्राउड इंजॉय करें। वाह यार नॉर्मल चाय और ज़ाफ़रानी चाय में 30 रुपए का फर्क है, और लिटरली 30 रुपए में ये ज़ाफ़रानी है, एक दो ये में टूटी हुई है, तो एक दो तीन नहीं यार, मेरे पीछे गैमा गैमी देख सकते हैं यार, ये कितना रश है और उसमें 100 कॉल ज़ाफ़रानी चाय, इससे अच्छा दो चाय ऑर्डर कर देता। तो ज़ाफ़रान आपको दिखाया तो कितना डाला हुआ है, हमारे लिए भी काट दो एक, ना भी हो तो कौन सा पता लग रहा है उसको। तो चाय पीते हैं थोड़ा रिव्यू देते हैं आपको, चाय के बगैर यार एनर्जी नहीं आती ज़रा अबे भाई, वो जो 300 रुपए की ज़ाफ़रान थी वो कब मुँह में गई, अंदर चली गई पता ही लगा, चली गई वो अबे भाई रिएक्शन नहीं आई भाई ने दिया यार, चले खैर वो इस क्राउड के सामने इस एनवायरनमेंट के सामने उसकी क्या एनवायरनमेंट है बाकी यार, टैटू भी बनवा लो जो है ब्रो, हमारी जगह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी वाइब है। तो भाई यहाँ पे बैठा मैं पी रहा हूँ अपनी चाय, वहाँ से यहाँ पे आ गए, ये स्क्रीन का व्यू ले रहा हूँ, लोगों का भी गुजरना भी एक व्यू है और आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है, मजा आ गया। ये गाना भैया ये फरमाइश पे भी गाना गा है जो है वो सिंगर गा सकता, वो जोश भाई सामने खड़े हो गए वो परफेक्ट व्यू ले रहे हैं, अंदर से ढोला भी चला लड़की ना कहे तो भाई उठ बैठ जा वो चाचा वो देखो भाई चाचा की जवानी बाहर आ रही है, बाबा जी इन फुल मूड अब स्टेप आएगा वो भाई बहुत रश
अच्छा चाय वाय है, इसके पास भी चाय है थी। इस गैमा गैमी में भाई एक बंदा मोमो वाला भी है, बहुत रश है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। ये देखो वो है भाई, इस बंदे का देखो कितना रश है। ये आइसक्रीम वाला, ये रहा भाई आइसक्रीम, ये भाई कौन आइसक्रीम वाले भाई, ये स्लश बेच रहे हैं। और ये कौन आइसक्रीम, वनीला बेल्जियम चॉको और मिक्स। और ये फ्रोजन ड्रिंक 70 रुपए की। तो भाई हम अब स्ट्रीट के एंड की तरफ जा रहे हैं, ये देखें और दुकानें ऊपर, इनके चाय खाने और भी बने हुए हैं, चाय के स्टॉल्स। ओए स्टारबक्स भी है यहाँ, अभी बात क्या बात है, बड़ी बहुत ही फेमस स्ट्रीट है। और जहाँ मैं सबसे एंड में आ रहा हूँ भाई, इरादा नहीं था लेकिन आपको रिव्यू देने के लिए यहाँ से कॉल भी ले ली हमने भाई से, बड़ी अच्छी कॉल बनाते हैं, खा के बताता हूँ। खैर जब उसको हिंदी नहीं आती है, चॉकलेट और वनीला, बढ़िया भाई। कब से बना रहे हो? मैं तो वन साल हो गया, वन साल हो गया, एक साल से बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। ये आपने बनाई है? पीछे देखो, देखो यार चेक करो उसकी शेप, चेक करो भाई। वो ये क्या बात है ना, लड़कियों का चल सही लगता है, कस्टमर भी अच्छा है भैया, कस्टमर भी अच्छा है भाई, स्टार बच्चे भी काफी लोग बैठे हैं ये भाई, साइड वाले से बच्चे डराते हैं। 150 का बड़ा वाला कौन सा है, वाइट नहीं चाहिए, बड़ा वाला मतलब 150 रुपए का, सेम रेट ही है हमारे पास, यही है 150 के 5 यार तीनों डार्क कोई तो यार इनसे मेहनत कर रहे हैं, नई भी चीज चाहिए तो ले लेनी चाहिए, मुझे तो वैसे चाहिए की कमी है, तो रीजनेबल प्राइस है, कोई महंगा नहीं है यार, चेंज होगा आपके पास। लेकिन अगर कोई चीज नई भी चाहिए होती है तो ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, लेनी चाहिए भाई। अरे बहन गहन के भी बड़ी, ये भी स्टारबक्स के सामने है। हाँ भाई आ गया सवाल यार, देखो सुपरस्टार, आप बता के दिखाओ, दिखाना भैया, ये देखो नहीं नहीं सही है, ये लेनी नहीं है। क्या नाम है? जलील है, जलील 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 भाई, ना करो ऐसे, ना करो क्यों दिल तोड़ रहे हो। जलील भाई कितने का है? 300 सस्ता वाला दिखाओ कोई, कितने का हो जाएगा? 250 मुझे चाहिए नहीं, आप वैसे ही दे लो, किसी वैसे ही दे देना बच्चे को, ठीक है? क्या बात है मोशी भाई, एक मुझे भी ले दो, ठीक है मेरे पास भी नहीं। तो भाई भाई सुबह से बैठे हुए हैं, इनसे कोई ना कोई चीज दे लेनी चाहिए, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। फाइनली स्ट्रीट खत्म हो गई है, आगे आगे भी गेमा गेमी है, लेकिन भाई इतनी इनफ थी, बड़ा मजा आया यार वॉक आउट करने में, बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट, अपना और आस पास वालों का ख्याल रखें, मोशी भाई का भी ख्याल रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं, करते हैं। क्या बात है ब्रो, बहुत अच्छा व्लॉग बनाया, ऐसे व्लॉग बनाए तो मज़ा क्यों ना आए यार। आज का उनका एक इंटरेस्टिंग व्लॉग था, क्योंकि जो एक स्ट्रीट है इसमें कोई शक नहीं एक बहुत बिजी स्ट्रीट है, और अगर एक ब्रांड की बात की जाए ना, वो पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी एक ब्रांड है ना, सारे के सारे यहाँ पर थे इस स्ट्रीट पर, क्योंकि होना भी ज़रूरी है ना, एक लोगों का जो रश है वो बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी एक ना इंटरेस्टिंग एक चीज़ें यहाँ पर हो रही है, एक्टिविटी यार, एक मज़ा आ गया आज का व्यू देख कर। नहीं बाकी काफ़ी एक भाई अच्छा मॉल भी था, हमने तो स्टार से बोला था कि यार ये कोई टाइम स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है, और था भी सेम टू सेम, काफ़ी लोग भाई एक एक्टिव थे और
अपना ब्रांड पर आए तो ब्रांड वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन यार एक ऐसी चीजें दिखानी चाहिए। मोशी भाई पहले ठीक है, पहले भी उनके व्लॉग काफी अच्छे थे, लेकिन ये व्लॉग उन्होंने आउटस्टैंडिंग बनाया, बहुत अच्छा व्लॉग था। एक उन्होंने चीजें जाकर मतलब के जो फेमस फेमस है वो भी ट्राई की। कभी एक ब्रांड में भी चले जाते ना, एक मतलब के ट्राई करते प्राइस क्या है उधर की, फिर शायद और अच्छा हो जाता। नहीं देखो ना, असल में ये चीज़ एक देखने वाली होती है कि आप लोग जो है ना वो किस हद तक वहाँ पे एक चेंज हो चुके हैं। मतलब एक ये होता है असल में, रात को जब लोग निकलते हैं ना एक सुकून माहौल के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ उनको प्रोवाइड कर दी गई है कि आपके पास इतना एक मतलब ना एक सुकून माहौल यहाँ पे है कि आप खुल्लम खुल्ला यहाँ पे निकलें, सुकून से चलें फिरें, अपना खाएं पिएं, फिर अपना जो है ना वो घर चले जाएं। और लोगों का भाई रश देख लो कि कितना ज़्यादा था। ज़ाहिर बात है लोग रात को निकलते हैं, और ये एक मॉल देना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका मतलब यही है कि इंडिया भाई काफ़ी जो है ना इस चीज़ में एक आगे निकल गया, या मतलब बहुत अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया। यहाँ पे तो इस तरह का कोई सीन खैर नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन ये कि लाहौर में को थोड़े बहुत होंगे, वो भी एक एक प्लाजा वगैरह की आता है, लेकिन कोई एक स्पेशल स्ट्रीट जिस तरह ये थी ना, और भी इस तरह की वाला सीन नहीं पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने भाई किस तरह एक लाइटिंग एक फुल जो है ना उन्होंने एक अच्छा मॉल दिया हुआ है लोगों को, ताकि लोग आए और देखें और अपना सुकून से भी नहीं लोग एक भाई एक साउथ के मतलब के एक आप फ्रेंडली भी बहुत है आपके साथ। अभी भाई को थोड़ा सा एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि मतलब के हिंदी कम आती है, लेकिन अगर लोगों के इंटरव्यू भी करें ना वो भी काफ़ी अच्छी बात है यार, वो भी करने चाहिए। बहुत यार खुशी होती है एक ना पाकिस्तानी उधर देख कर ना, एक मतलब के ऐसी चीज़ें वो एक कवर करता है, और हर चीज़ मतलब के जो कि एक ये हिडन होती है पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाती वो ज़रूर एक दिखाते हैं। मैं इनके देख रहा था एक कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग इधर पाकिस्तान से भी देखते हैं, और वो यकीन करें वो भी एक हैरान हो जाते हैं कि वाकई यार एक जहाँ तक हम सोचते हैं ना उससे एक आगे की चीजें हैं बिल्कुल, और काफी एक अच्छा चचा डांस कर रहे थे हैं वहाँ पे, फुल एक सॉन्ग आ रही थी। यही एक चेंज होता है ना, एक हमने तो भाई ये चीजें पहले हमने ये वो मूवी में देखी थी जो आशिकी मूवी थी ना, वहाँ लड़की वहाँ से वो इम्प्रेस होता है लड़की को आगे सिंगर बनाता है, वैसे ये भी एक सेम सीन था। चाचे का वो हैवी डांस था भाई चाचा ऑन यार मजे की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।